नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आकाश आनंद को बसपा ने फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। मायावती ने फिर से उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। कल ही मायावती ने आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया था और आज ये जिम्मेदारी उन्हें वापस दे दी गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया था। साथ ही बीएसपी सभी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव पर बीएसपी की समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में मायावती, उनके भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद मौजूद रहे। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। सवाल यह है कि आखिरकार आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था। इसके पीछे वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था और सीतापुर की रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की। पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की गई, फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइडलाइन किया गया, उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश, लेकिन आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। अब आपको बताते हैं कि लंदन से एमबीए की पढ़ाई करने वाले आकाश आनंद की राजनीति में कैसे एंट्री हुई। साल 2017 में मायावती ने उन्हें लॉन्च किया, 2019 में बीएसपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। दिसंबर 2023 को मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया और 2024 लोकसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक बने हैं। चलिए, लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अलाउद्दीन, पहले आकाश आनंद को हटा दिया गया, पार्टी से साइडलाइन किया गया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद वापस ले लिया गया, अब दोबारा से वो पूरी जिम्मेदारी उन्हें वापस से दे दी गई है। स्टार प्रचारक भी बना दिया गया उत्तराखंड उपचुनाव के लिए और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी। कह सकते हैं कि एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है बसपा, क्योंकि माना यह जा रहा था कि बसपा के कुछ कार्यकर्ता नाखुश हैं आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। जो युवा वर्ग था बहुजन समाज पार्टी का, वो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि आकाश आनंद को उनकी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, खासतौर से तब जब लोकसभा इलेक्शन उनकी उम्मीद के हिसाब से बेहतर नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में उनको 0 सीट मिली, वहीं दूसरी तरफ वोट फीसद 10% से भी नीचे चला गया और बहुजन समाज पार्टी के फॉर्म होने के कई दशकों के बाद ऐसा देखने को मिला जब बहुजन समाज पार्टी का वोट फीसद इतना कम रहा। तो ऐसे में चाहे वो BS4 की बात कर लें या नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बात करें या अंदर जो राय देने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों ने साफ तौर से मायावती जी को कहा कि अगर जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी जाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। तो ऐसे में 1.5 महीने के अंदर ही अपने फैसले से पीछे हटने का मतलब साफ तौर से है कि इंटरनल दबाव बहुत ज्यादा रहा होगा, क्योंकि आमतौर से देखें तो मायावती का जो राजनीतिक जीवन है उसमें वो फैसले से पलटने के लिए नहीं जानी जाती है बल्कि फैसला लेने के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और अपने फैसलों के लिए वो जानी जाती है, आयरन लेडी भी लोग उनको कहते रहे हैं। तो ऐसे में 1.5 महीने के अंदर ही इस पॉलिटिकल फैसले से, राजनीतिक फैसले से पीछे हटने का ठीक मतलब ये निकाला जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में उनकी सीटों का बिल्कुल शून्य आना, 8% का कम हो जाना। तो ऐसे में पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए आकाश आनंद को वो तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ एक बार फिर से उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया है। और साफ तौर से आज की बैठक में जब 11 बजे वो आई, आकाश आनंद ने उनके पैर छुए, उन्होंने उनके सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया, तभी से लगने लगा था कि उनकी जिम्मेदारी आज बढ़ने वाली है। लेकिन अंदाजा यह भी लगाया जा रहा था कि उनके भाई जिस तरह से वहां मौजूद थे आनंद कुमार, कि उनको कहीं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ना दी जाए। तो हालांकि आकाश आनंद के पद को ज्यादा बड़ा किया गया है, इससे पहले आनंद कुमार पहले से भी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, पार्टी में नजर आते रहे, लेकिन एक साथ तीनों लोग जिस तरह से आज नजर आए उसके बाद इस साफ तौर से मतलब निकाले जाने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी खुद के फैसले से पीछे हटते हुए नए फैसले के साथ नए रंग रूप नए रोगन अपनी पार्टी में भरने के लिए नए कवायदे करेगा। क्योंकि आज की बैठक में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे बल्कि आप उत्तराखंड, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहां सब जगहों से, बिहार से भी लोग आए हुए थे। तो ऐसे में तमाम लोगों के सामने संदेश देने के पीछे मकसद यही था कि एक मकसद लिया जाए और
एक बार फिर से शुरुआत की जाए। जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि भाई इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया है जो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश में भी, तो इसके बाद साफ तौर से आप मान के चले कि अब उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, चुनाव प्रचार में वो ज्यादा भाग लेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से युवाओं को जोड़ने के लिए वो काम करेंगे। इससे पहले आकाश आनंद ने यूथ को जोड़ने के लिए न सिर्फ फेसबुक पेज अपना लॉन्च किया था बल्कि मिस कॉल अलर्ट के जरिए से लोग उनसे जुड़ सके इस कवायद को भी शुरू किया था। सोशल मीडिया पे उनके पेजेस बहुत ज्यादा एक्टिव थे, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, एक्स की बात करें या फिर फेसबुक की बात कर लें, वो खुद को यूट्यूब से भी जोड़ करके देख रहे थे क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया ने पिछले 10 सालों में राजनीति को बदला तो आकाश आनंद उन तमाम चीजों में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 1.5 महीने पहले जैसे उन पर ब्रेक लगा उसके बाद अंदर खाने ही खबर आने लगी कि इससे बहुत सारे लोग नाखुश थे और शायद यही वजह है कि आरएन लेडी कही जाने वाली मायावती जी ने अपने ही फैसले को आज बदला। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से आपने जानकारी दी। मायावती ने आज जहां आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंप दी है, वहीं शनिवार को आकाश आनंद को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई। आखिर क्यों चुनाव के दौरान साइडलाइन इन्हें किया गया था और मायावती ने अब फिर से जिम्मेदारी क्यों दी है, देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से साइडलाइन किए गए आकाश आनंद को मायावती ने फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया है। उत्तराखंड की 2 सीट मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। सवाल ये है कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था? इसके पीछे की वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की। पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की गई। फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइड किया गया, उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश आनंद। आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। जिस समय मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी उस समय मायावती ने क्या कहकर उन्हें हटाया था ये भी बताते हैं। बीएसपी बाबा साहेब के सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अन्य लोगों के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्व होने तक आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है। सीतापुर में आकाश आनंद के भड़काऊ बयान के बाद उन पर केस दर्ज हुआ था। पार्टी ने आकाश आनंद पर एक्शन लिया था। भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। आकाश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर बैठाए गए आकाश आनंद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 5 महीने में ही मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी। लेकिन अब उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर दोबारा वापसी करवाई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद आकाश आनंद को रखा गया है। करीब 1.5 महीने बाद आकाश की पार्टी में वापसी हो रही है। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद अपने भाषणों के लिए काफी चर्चा में आए थे। उनके भाषण को लेकर केस भी दर्ज हुआ था जिसके बाद मायावती ने उन पर एक्शन भी लिया था। इसे उनके राजनीतिक करियर के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब आकाश आनंद एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।